सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। पहला, यह मैं क्यों कर रहा हूँ। दूसरा, इसके परिणाम क्या हो सकती हैं। और तीसरा, क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़ें। अगर सब कुछ सही होता दुनिया में तो रिश्तों की कीमत ही क्या होती। आज का पंचांग 11 जून 2022 दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 5:45 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र रात्रि 2:05 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:05 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 11 जून 2022 दिन शनिवार, आप अभी खुद पर संदेह कर सकती हैं। अपने मन और दिल की जांच करें। घर के मामलों से निपटने के लिए समय निकालें। भले यह आपकी योजनाओं को धीमा कर रहा हो या उसमें बाधा पहुंचा रहा हो, इससे प्राकृतिक सेटिंग में शांति की तलाश करें। आपने जो परिपक्वता प्राप्त की है उससे आप दूसरों को अधिक देने और स्वयं कम लेने में विश्वास करते हैं। पुराने परिचितों से मिलने की संभावना है। किसी सलाहकार और परिवार के साथ जुड़े रहें ताकि जरूरत के समय सहायता मिल सके। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। इस समय उत्तम ग्रह स्थितियां बनी हुई है। विपरीत स्थितियों में भी आप समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। किसी नजदीकी संबंधी के यहाँ धार्मिक आयोजन में जाने का निमंत्रण भी मिलेगा। कई अवसर प्राप्त होंगे, इस कारण उत्साह और आनंद रहेगा। आपकी प्रगति देखकर परिवार के लोगों को भी खुशियाँ मिल सकती है। लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त होता रहेगा और सामाजिक कार्यों का हिस्सा बने रहने की वजह से नए लोगों के साथ परिचय बढ़ेगा। आपका अनुभव और ज्ञान देखकर क्लाइंट के द्वारा दिया गया काम पैसा कमाने के लिए उपयुक्त हो सकता है। विवाह संबंधित निर्णय आगे बढ़ना संभव होगा। सिर दर्द और माइग्रेन जैसे तकलीफ का उपचार कराएं। सावधानियां, दूसरों की सलाह लेने की अपेक्षा अपने स्वभाव में बदलाव लाना ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखें कि अति आत्मविश्वास होना भी आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। किसी भी कार्य को सहज व शांतिपूर्ण तरीके से करने की कोशिश करें, आप अवश्य ही सफल होंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप सब कुछ भूलकर अपने साथी की बाहों में खो जाना चाहते हैं। यह समय किसी लॉन्ग ड्राइव या रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का है, जहां आप एक दूसरे को और भी अधिक जान पाएंगे। पिता की समस्याएं या माँ का स्वास्थ्य आपके लिए प्राथमिकता हो सकते हैं। परिवार और माता पिता के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आज का दिन शुभ है। अपने साथी से दिल खोलकर बातें करें ताकि आप उन्हें खास महसूस करा सकें। संयम से काम लें और इसके बाद आप पाएंगे कि स्थितियां कितनी बदल चुकी है। मोहब्बत की इस प्यारे एहसास को दिल में छुपा कर ना रखें। बात करते हैं करियर की। आप अपने लक्ष्य और अधिकार के बारे में अच्छे से जानते हैं और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत कर रही हैं। यह समय शांतिपूर्ण है और आज का दिन वाहन, इमारत या संपत्ति की खरीदारी के लिए अच्छा है। अपने कौशल को निखारें, इससे आपको उज्जवल भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। आज कार्यस्थल पर नई परियोजनाओं और कार्य की शुरुआत की संभावना है। आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं और अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। मार्केटिंग रणनीतियों, व्यापार योजनाओं और बिक्री योजना पर कार्य करने के लिए ऑनलाइन सहायता लें। दूसरों की सलाह से पहले योजनाएं बना लें ताकि आपकी क्षमताओं के बारे में अन्य लोग भी जानें। बात करते हैं सेहत की। असंतुलित खान पान का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। लापरवाही ना बरतें, हल्का तथा अच्छा भोजन करें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को उड़द का दान करें, शुभ रहेगा।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।